बेटमा और आसपास के क्षेत्र में धूमधाम के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान शासकीय और अशासकीय कार्यालय सहित पार्टी कार्यालय पर भी झंडा वंदन किया गया। उप तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार और बेटमा थाना पर थाना प्रभारी द्वारा झंडा वंदन किया गया। गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर बेटमा नगर में कोरोना गाइडलाइन के तहत कोई बड़े आयोजन नहीं हुए, लेकिन शासकीय अशासकीय कार्यालयों सहित पार्टी कार्यालयों और संस्थाओं में सादगीपूर्ण झंडा वंदन किया गया। तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार नीरज प्रजापति और थाना परिसर में निरीक्षक थाना प्रभारी संजय शर्मा द्वारा झंडा वंदन किया गया। वहीं थाना परिसर में सलामी परेड का भी आयोजन किया, जहां पुलिस कर्मियों द्वारा तिरंगे को सशस्त्र सलामी दी गई और राष्ट्रगान हुआ। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय पर ध्वजारोहण कर अम्बेडकर चौराहे पर प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही नगर परिषद अम्बेडकर चौराहा, शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल सहित समस्त शासकीय व अशासकीय कार्यालयों पर भी झंडा वंदन किया गया। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जनवरी गणतंत्र दिवस में सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, नगरवासियों को बधाई देता हूँ और ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ कि नगर में अमन चैन शांति बना रहे। आज कांग्रेस परिवार की ओर से कांग्रेस भवन में झंडा वंदन किया गया, उसके पश्चात अम्बेडकर चौराहे पर झंडा वंदन किया गया। सभी कांग्रेस परिवार को मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।